हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है मेरा बर्थडे एंड मुझे सुबह से ही डीएम आ रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे। तो मतलब बर्थडे की विशेस की शुभकामनाएं इतनी ज्यादा है ना कि ऐसा लग रहा है कि आज पता नहीं क्या ही है। लेकिन जब सोशल मीडिया के बाहर आ रही हूँ ना, तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। और स्पेशल एक तो पता क्या है कि ये बर्थडे है, ठीक है। कोई त्यौहार नहीं है कि वो चाहे आपको कुछ दर्द हो चाहे तकलीफ हो, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दर्द में है तकलीफ में है तो पूरी फैमिली लग जाती है, और वो भी बर्थडे इस बार मेरा है तो थोड़ा सा और ऐसा हो जाता है। तो हुआ क्या है कि बाबू की तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। जी बाबू तो लेटे हुए हैं और मेरे को कब से 5 बजे से बोल रहे हैं चलो मंदिर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने उनको बोला था सिंपल अपन मंदिर चलेंगे, परेशान मत हो। क्योंकि वही है, एक तो यहाँ दमों में समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कहाँ क्या करें, क्योंकि मैं पापा के सामने केक केक कटने के लिए तो बहुत ही शर्माती हूँ। तो मैं लास्ट बर्थडे भी मैंने यहाँ पे नहीं सेलिब्रेट किया था, दम छतरपुर चली गई थी तो वहाँ कर लिया था। और इस बार तो हम छतरपुर भी नहीं गए और ना ही उस साइड से किसी की बर्थडे विशेज आई। खैर, अब मुझे बुरा नहीं लगता है, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बुरा नहीं लगता है। आप बर्थडे विश कर दो तो मेरे लिए उतना ही है, ना करो तो भी मेरे लिए उतना ही है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके चल दो ना, तो फिर आपको बुरा लगना बंद हो जाता है। अभी यही मेरे साथ है। तो मैं हो रही हूँ एक तरीके से ये गेट रेडी बिटवीन भी है, थोड़ी सी चिट चैट है, थोड़ा सा झेल लेना हमको। जब पहले मैं सबके लिए करती थी, मुझे लगता था मैं सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए नहीं करते। अब मुझे ये लगता है कि मैं जिसके लिए जो करती हूँ वो मैं करती हूँ, जो मेरे लिए नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो उस चीज से मैं अब दुखी नहीं होती हूँ। पहले मुझे बहुत हर्ट होता था, बहुत। इवन मेरी मम्मी का भी कॉल नहीं आया, सासू माँ का। हालांकि मेरी उनकी ना, मेरी ना, मेरी ननंद की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बट मैंने पहले भी बोला ना कि हमारे साथ होता क्या है ना कि जब उनको हमारी जरूरत पड़ती है तो बाकायदा फोन आते हैं, सब कुछ होता है। जब उनको हमारी जरूरत नहीं होती है तो हम कौन तुम कौन वाला रिश्ता हो जाता है। जिंदगी ऐसी है, उसको एक्सेप्ट करके हम चलते हैं। सो आपको लग रहा होगा मैं लगा क्या रही हूँ। तो अभी नेक पे तो मैंने फाउंडेशन लगाया, क्योंकि मेरी नेक का और फेस का इवन कलर नहीं है, पता नहीं क्यों। और फेस पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर अपने अंडर आई एरिया पे लगाया, उसको ही पूरे फेस पे ब्लेंड कर दिया। छोटे थे तब बहुत शौक रहता था, बर्थडे है बर्थडे है बर्थडे है। अब शौक गोल हो गया है। अब बर्थडे आता है तो पता नहीं क्यों अजीब सा फीलिंग आती है, मम्मी की याद आती है। कल रात में भी बहुत रोई, एंड ऐसा नहीं है, कल रात में ये केक भी लाए थे कि कट करेंगे, बट बच्चे सो गए तो फिर मन नहीं हुआ, अभी रखा है। और ये नहीं लाए थे, मैं भी गई थी। रीजन ये था कि हम गए थे क्रोमा, क्योंकि हमसे कह रहे थे कि तुम अपनी गिफ्ट अपने मन का ले लो। तो मैंने कहा देखो अभी तुमने मुझे फोन दिलाया था, मैं नहीं चाहती कि मैं और पैसे वेस्ट करूँ। तो ये बोले भले ही स्मार्ट वॉच ले लो बट कुछ तो ले लो। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लश लगा लिया लिपस्टिक से ही, तो लिपस्टिक में थोड़ी सी लूमी क्रीम लगा ली, थोड़ा ग्लोई ग्लोई हो गया। उसको ये अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ओके, ज्यादा ताम झाम करना नहीं है। और एक साड़ी परचेज की, बट आजकल ये है कि अगर साड़ी आप थोड़ी सी महंगी लेते हो ना, तो फिर वो हो जाता है कि आप इसको यहीं डाल दो स्टोर पे, जहाँ से आपने परचेज की, खाली जहाँ से आपने परचेज की है वहीं डाल दो, वो आपको पूरी रेडी करके देंगे, सिर्फ ब्लाउज नहीं देंगे। तो वो तो खैर बहुत हैवी थी, मैं पहनती भी नहीं, तो वो भी मैंने कल मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज कल हम बहुत घाई घाई में गए थे। लेकिन भाई आप लोग जो मुझे फील कराते हो ना, सच में जितना बोलूँ उतना कम है। मेरे बर्थडे विशेस अभी सिर्फ इंस्टाग्राम वालों को पता है। रीजन ये है कि बाबू ने इंस्टाग्राम पे लगाई थी स्टोरी, और उसी स्टोरी से क्योंकि मैंने ब्लॉग में पहले कभी बोला नहीं ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आप लोगों को नहीं पता, यूट्यूब फैमिली को। इंस्टाग्राम पे पतिदेव ने लगाई स्टोरी, मैंने उसको री स्टोरी कर दिया, मतलब मैंने भी उसको स्टोरी पे लगा दिया अपने। फिर जो बर्थडे विशेस की जो ढेर सारी शुभकामनाएं थी, वो सब ने मुझे इतनी सारी दी कि मैं अभी मतलब पता नहीं कितने सारे डीएम का तो रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि अभी स्टोरी लगा ना तो उसको तो मेरी स्टोरी कर दे रही हूँ। लेकिन क्योंकि वो जल्दी से मुझे मिल जाता है नोटिफिकेशन में, लेकिन वो जो होते हैं ना मैसेज, उनमें भी मैंने कई लोगों को रिप्लाई किया। ऐसा नहीं कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, बाकी ये है कि मैं बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे सुबह से जो भर भर के आ रहे हैं ना डीएम, एक तो इनकी थोड़ी सी तबीयत, इनको ना लूज मोशन टाइप का भी, मतलब लूज मोशन हो गया, उसकी वजह से वीकनेस ओवर हो गई है। और मिशिका के स्कूल खुलने वाले थे 24 तारीख से, खुलेंगे कल से, तो मेरे लिए एक बड़ा टेंशन वाला। मैं तो बढ़िया खुश थी कि 24 तारीख से स्कूल खुलेंगे,
लेकिन अब वही कल से खुलेंगे। बहुत कमेंट आते हैं कि आपको अब हर्ट नहीं होता, आपके साथ लोग इच्छा गलत करके चले जाते हैं, आप कैसे खुद को ओवरकम करते हो। मैं सच बताऊँ, हर्ट आपको तब होता है जब आप उम्मीद करते हो, जब आप उम्मीद छोड़ देते हो आपको हर्ट होना बंद हो जाता है। मैंने अभी उम्मीद छोड़ रखी है कोई मेरे लिए कुछ करे। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, वो मैं हूँ, वो मेरा नेचर है, वो कैसी है, वो उनका नेचर है। अब मैं उनके नेचर को तो अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकती हूँ, और उस चीज से हर्ट हो के, रो रो के दुखी हूँ, वो मेरा नेचर नहीं है। पहले मैं होती थी, ऐसा नहीं है, बट उससे होता क्या है, मेरा लॉस है। मैं हर्ट होती हूँ, मैं बीमार होती हूँ, मैं रोती हूँ तो मैं बीमार होती हूँ। तो मैं अब मैं इन चीजों को ज्यादा लाइटली लेना पसंद करती हूँ। उनको देखो, वो चाहते ही ये हैं जो आपको हर्ट करते हैं ना, वो यही चाहते हैं ना कि आप हर्ट हो, तो आप हर्ट मत हो, ठीक है। वो चाहते हैं आप दुखी रहो, आप दुखी मत रहो, वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में रुक जाओ, आप रुको मत। और ये सब जब आप करोगे ना, तो वो जो चाहते हैं वो होगा नहीं, वो जो चाहते हैं वो होगा नहीं, तो फिर सीधी सी बात है, आगे वो करेंगे नहीं कि अरे मैं तो ये चाह रहा था, ये तो हुआ नहीं, तो अब क्या करिया जाए। तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सबक है जो मुझे मेरी जिंदगी से मिल चुका है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ अपनी लाइफ में, तो लोग आपको हर्ट करना, और सच बताऊं फिर हर्ट करना बंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो मैं आप कह नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आप ऐसे हो जाते हो ना, तो आपको हर्ट होता नहीं है, बेसिकली आपको बुरा लगता नहीं है। सो इस बार पता हुआ क्या है, मेरी ये आईब्रो मैं बनाती हूँ, उसी सास मुझे बहुत से बनवाती हूँ, इस बार उन्होंने वो मेरी आईब्रो की वाट लगा दी है, पतली कर दी है। एंड अब दिक्कत क्या है, तो वो कैमरे में साफ साफ समझ में आती है, अगर वो पर्स मतलब ऐसे समझ ना आए, बट वो कैमरे में साफ साफ समझ में आती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसको कवर अप करना पड़ता है, ठीक है। इस बार आप भले ही मुझे बोलना कि भी आईब्रो बनवा लो, बुरी लग रही है, मुझे पता है आप बोलोगे, बट मैं अभी आईब्रो नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इस बार मेरी आईब्रोज बहुत गंदी हो गई है, तो मुझे पहले इनको इवन करना है। ये दो शेड्स को यूज कर रही हूँ, एक है रेड जिसको मैं लाइन करूंगी। अब एक थोड़ा न्यूड में है, इसके अंदर मिटाएंगे। ये बहुत प्यारा सा शेड हो गया है, अब बस मैं बिंदी और मामे करूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है और मैं निकल जाऊँगी अब मंदिर की तरफ। मैंने इनको उठाया, मैंने कहा चलो, बहुत लेट हो रहे थे, रोटी बना के मैं आई हूँ घर पे और सब्जी वगैरह हम लोग लेके जाएंगे, लेकिन पहले मंदिर में अच्छे से दर्शन करेंगे। बच्चों को नहीं लेके आए क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो ये बोले कि अगर उठाओगी, तैयार करोगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए चलो दर्शन करके जल्दी से आ जाते हैं। एंड मौसम थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ था, इस वजह से बाहर मतलब लाइट भी चली गई थी, मतलब मंदिर में तो थी, हम जैसे ही मंदिर से निकले तब लाइट गई थी। तो कह सकते हैं कि देखो, दर्शन इतने अच्छे से हो गए, कहते ना भगवान का आशीर्वाद है, तो अगर किसी का नहीं भी है ना तो भी हम खुश हैं, क्योंकि हमारे साथ ऊपर वाला है, हमने किसी का गलत नहीं किया। मेरा मेरा सच सच बताऊँ ना, तो भगवान के अलावा कोई जानता ही नहीं है। मैं यही बोलूँगी कि मुझे समझने के लिए मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई भी पहुँचे, कोई दुश्मन भी पहुँचे। तो मैं बस ये कहती हूँ ना कि मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मेरे क्या है, मुझे नहीं समझ में आता मैं आप लोगों के सामने अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी बनावटी दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ। और मैं बस ये सोचती हूँ कि भगवान जैसे आज तक मेरे साथ खड़ा रहा है, आगे भी मेरे साथ ऐसे ही खड़ा रहे, क्योंकि कहते ना कि जब भगवान आपके साथ है ना, तो इंसान की क्या मजाल है कि वो आपको आपको कहीं से भी दुख पहुंचा सके, बस मेरा ये मानना है। तो बस यहाँ पे ये जो मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे आपको सारे भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। एंड ये है यहाँ पे वाल्मीकि जी, जो हमारे रामायण के रचयिता हैं, उन्होंने रामायण लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करवाई थी, मैंने कहा आप यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक कर दो, बहुत ही अच्छी, यहाँ पे ये देखो कितने अच्छे से इनको मतलब इनके बैकग्राउंड को डेकोरेट किया गया है। उसके बाद ये है शिवलिंग, अंदर जो था वो भी शिव जी का और मंदिर था, शिव पार्वती जी का मंदिर था, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये बाहर साइड में है। हमने इनको भी अच्छे से भेंटा, इनकी भी अच्छे से पैर वैर छुए, उसके बाद मैंने टीका लगाया यहाँ का,
और हम जब गए थे तब आरती हो चुकी थी, तो आप समझ लीजिए हम कितना लेट हो गए थे, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो तो मुझे बोले थे तुम तैयार होके उठा लेना, बट मैंने उन्हें नहीं उठाया था। मुझे लग रहा था कि सो रहे हैं तो सोने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने भोलेनाथ से बहुत सारी बातें की, उनकी बहुत सारी मिन्नतें की, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो फिर कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। तो मतलब मैं पता है यहाँ बहुत इमोशनल भी हुई थी मंदिर में, लेकिन वही बात है ना कि हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती है। मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि देखो भगवान के सामने वो भी निकल के आ जाता है जो आप किसी के सामने निकालना नहीं चाहते हो। मेरे साथ भी सेम है, मैं जैसे अपने घर की भी पूजा करती हूँ मेरे आँखों में आंसू भर जाते हैं। जब मैं कहीं मंदिर जाती हूँ ना तो लोग मांगते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मतलब मेरा ये मन्नत पूरी कर दो, वो मन्नत पूरी कर दो। मैं सच बोलूँ ना, मैं तो सब भूल जाती हूँ, बस मेरा ध्यान जो होता है भगवान के ऊपर होता है, और मैं बस उनके पैर छूती रहती हूँ, मेरे को आंसू आते रहते हैं, और मैं खुद सोचती हूँ ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे इन्होंने नारियल फोड़ा, और उसके बाद हमने अगरबत्ती लगाई, क्योंकि मंदिर में मतलब अंदर से उसके बाद निकलेंगे मेरा ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबको अपने प्रसाद चढ़ाऊँगी पहले, क्योंकि नारियल फूट चुका था, और नारियल फूटने की भी व्यवस्था बाहर साइड की गई है। अंदर अंदर आप जैसे क्या मिठाई लेके जाओ तो वो डब्बा दे दो, तो वो भी हम लोगों ने कर दिया था कि बंटवा देते हैं, और घर के लिए मिठाई हम अलग लेके गए थे, ऐसे हमने किया था। तो सब भगवान जी के हमने इसी तरीके से आशीर्वाद लिया, और मेरा बर्थडे हमने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया। और मैं सच बोलूँ ना कि हम ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ पे। और देखो क्या है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है, हम कहीं घूमने जा नहीं सकते हैं, ऊपर से मिसिका के स्कूल का अनाउंस हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी इमोशनल थी, क्योंकि मैंने जैसे बोला मेरे सारे इमोशंस ऊपर वाले के सामने निकलते हैं, ऐसे निकलते ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे कुछ बोल के हंसा दिया था, कहने लगे तुम्हारा फेस कैसा दिख रहा है। तो मैंने कहा हो जाता है मेरे साथ, मैं भगवान के सामने इमोशनल हो जाती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, क्योंकि भगवान किसी को बताते नहीं है। तो मेरे को हंसी आ गई थी। तो वो मुझे ऐसे ही, जब भी मैं थोड़ा सा इमोशनल होती हूँ तो वो मुझे ऐसे ही संभालते हैं, और यही चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हर कदम पे मेरा साथ देते हैं, हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं। मैं बस एक ही चीज़ बोलती हूँ, भले ही मेरे पास बहुत सारे रिश्ते नहीं हैं, बट जो भी रिश्ते हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत मानते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सबके लिए इतनी अच्छे जो भी मेरे तो सब भगवान की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, और हमारे कहते हैं ना बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है कि सब कुछ इतने अच्छे से है। ये है वो पूरा मंदिर, बाहर से कुछ इस तरीके का लुक है। तो यहाँ पे हम रास्ते से ये केक लेके आए थे, क्योंकि दोनों ही बच्चे बोल रहे थे केक कट करना है, केक कट करना है, मम्मी आज केक कट करोगे, क्योंकि मुझे पर्सनली अपने बर्थडे पे पापा रहते हैं तो पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पापा के सामने पता नहीं क्यों शर्म ही आती है। हेलो दोनों जन, ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चल बस हो गया, चल दादा को खिला दो, पहले दादाजी को खिला दो, कैसे निकालूं बता, हम खिला देंगे बता, अच्छे से कट करो, ये तो हंसी आ रहा है, थोड़ा सा खिलाना है ना, ज्यादा अच्छा हुआ काजू वाला ले आई, नहीं तो दादू को शुगर है ना। चलो दोनों जन खा लो, खोलो ना मुंह, चलो खिला दे अपने बाबू को, छोटे छोटे बाबू को, ये लो। Happy birthday, Mishika. तो एक बात तो आपने सुनी होगी मिशिका की कि अच्छा रहा ड्राई फ्रूट्स वाला केक लाइन, क्यों उसने ये बात इसलिए बोली क्योंकि वो जानती है कि उसके दादाजी को शुगर है, और दादाजी को ऐसे मतलब स्वीट देते नहीं हैं, तो इस वजह से उसने ये बात बोली। एंड अच्छी बात ये है कि वो इन चीज़ों को नोटिस करती है, क्योंकि वो जानती है कि मम्मी पापा दादाजी इन सब चीज़ों का बहुत केयर करते हैं, तो वो भी उस चीज़ को देखती है, समझती है, सोचती है। तो कहते हैं ना, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं,
यहाँ पे मैंने पापा के लिए एक गुजिया निकाली और ड्राई फ्रूट्स वाली जो आप देख रहे हैं ना वो स्वीट जो है ना वो बिल्कुल शुगर फ्री है, और रबड़ी निकाली और इतनी सारी मिठाई मैं देने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो सब नहीं खाएंगे, उनसे बोला था जो जितना खाना उतना खा लेना, मतलब सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेना। उसके बाद हमने हमारा खाना इंजॉय किया। मटर पनीर की सब्ज़ी मिक्स वेज हम बाहर से लाए थे, और ये वाली रोटी मैंने घर पे बनाई थी, और वो वाली रोटी जो प्लेट में रखी है वो बाहर से लाए थे। इसी के साथ कर रहे हैं इस ब्लॉग का एंड। आई रियली होप गाइस अच्छा लगा होगा ब्लॉग। बाय बाय।